कि भाई हम अपना कॉलेज वाले छोड़ के कार्ड मिल गया लोगों को। पता एक होता है ना, एक पहले कार्ड होता था विक्टिम कार्ड, लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते थे। तो आजकल एक कार्ड प्ले करते थे लोग अंडरडॉग्स का, और वहाँ पे आप लोग जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको उन लोग क्या देखते। देखो अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जाता हूँ तो मैं भी वहाँ गलत नहीं हूँ। मुझे लगेगा कि कोई अंडरडॉग आ रहा था, मैं बोलूँगा ये तो मेरे जैसा ही बंदा जिसने मेहनत करके ऊपर आया है, राइट। बट जब आप खुद उसकी जगह पे जाओ, आप मैंने मेरे को इंस्टाग्राम में बहुत लोगों ने स्टोरीज में टैग करके लोगों ने बताया है कि भाई हम अपना कॉलेज वाले छोड़ के गेम को एज अ करियर देखते हैं, हमें भी आप लोगों जैसा बनना है एंड ऑल। और वो लोग मेहनत करके कुछ राउंड पहले ही मतलब एलिमिनेट हो जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको कोई एक हैकर मार के जा रहा है। अब हमें वो नहीं पता ना कौन सी टीम हैकर है कौन सी टीम हैकर नहीं है भाई, क्योंकि मैंने आज तक अभी ऐसा तो देखा नहीं कोई लेजिट प्लेयर या फिर कोई नॉन टीम में से बंदा इतने अच्छे इस लेवल पे खेलो। शायद हम लोग वो चीज़ परफॉर्मेंस लैक करते हैं सारे टीयर वन टीम जो भी है। बहुत बड़ा लेयर आता है हैक्स का, रिसेंटली शैगी के इंसिडेंट के बाद से हुआ है, क्योंकि शैगी ने ना हैक खुद करके खुद फंसा नहीं हो, वो एलिमिनेट नहीं हुआ है, उसने हैकर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। शैगी क्यों फंसा था बताओ? क्योंकि शैगी ने खुद हगा ऑनलाइन स्ट्रीम करके हैक को, राइट। अब इमेजिन करो शैगी कभी स्ट्रीम ही नहीं किया होता, शैगी कभी स्ट्रीम नहीं किया होता, तो क्या आपको लगता है आज तक आज के डेट में हम में से किसी को लगता कि शैगी हैक कर रहा है? नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं ना कि भाई बीजेएमआई में ऐसा भी हैक होता है।